हेलो फ्रेंड्स, कुमुदिनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में बहुत ही हेल्दी और साथ ही में टेस्टी ये नाश्ता खाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खड़ी मसूर छिलके वाली जो मसूर आती है लाल वाली उसी की, और साथ ही में ये सोयाबीन चंक्स की सब्जी बनाई है दाल की जैसे, ग्रेवी की जैसे। आप या तो रोटी के साथ में खाइए या फिर चावल के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे पहली बार है, नए हैं, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर एक कप मैंने आधे घंटे पहले ही भिजा के रख लिया था खड़ी मसूर को। ये लाल मसूर ही है जिसकी हम दाल बनाते हैं, लेकिन छिलके में बहुत ही विटामिन और बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए मैंने छिलके की दाल ही हम लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एक कप मैंने ये सोयाबीन चंक्स भी भिजा के रख लिया है। ये तो 10-15 मिनट में ही फूल जाता है, तो ढक के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए और कुछ तैयारी कर लेंगे, प्याज लहसुन हरी मिर्च। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बनी इतनी स्वादिष्ट की, जो होटल में भी नहीं मिलती है। तो देखिए, मैं इस तरीके से अच्छे से पानी निकाल के निचोड़ रही हूँ, और निचोड़ के मैं अलग रख दूँगी अलग बर्तन में। देखिए, तो जितना भी सोयाबीन में आसानी से पानी निकल रहा है मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पूरा मैंने निकाल दिया। अब इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है, जो हम फ्राई करेंगे तो हो जाएगा। और ये मसूर की जो दाल है इसको भी हम दो तीन पानी से, खड़ी मसूर है, दो तीन पानी से हम धो लेंगे ताकि क्लीन हो जाए। देखिए, एकदम क्लीन हो गया है। अब छोटा चम्मच, आधा चम्मच से भी कम है, इसके अंदर हम तेल डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और दो तेज पत्ता डाल देंगे, और मसूर को इसके अंदर ऐड कर देंगे। मसूर को ऐड करने के बाद इसमें पानी मिला देंगे, एक कप पानी मिलाएंगे, और मसूर इसको हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर, दाल के अंदर, और ढक देंगे, दो सीटी हो जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, नमक जितना भी आप डालें, आप याद रखिएगा कि आप कब कब नमक डाले हैं, कितना डाले हैं। तो यहाँ पे एक चम्मच हम तेल लेंगे, तेल को गर्म होने देंगे, और जैसे ही गर्म हो जाए, जो सोयाबीन चंक्स हमने भिजा के रखा था, वड़ी बोलिए या फिर मराठी में यहाँ पे वड़ी बोला जाता है महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, आप लोग के यहाँ इसको क्या बोला जाता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वड़ी या फिर सोयाबीन चंक्स ही बोला जाता है, आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसको भून लेना है, गैस की फ्लेम मीडियम हाई लो कर रखना है, और मीडियम हाई गैस पे ही भूनना है। देखिए, मैं इस तरह से लगातार चलाते हुए भून रही हूँ, इसका कलर भी आपको चेंज होते हुए दिख रहा होगा, और साथ ही में इसकी साइज़ भी आपको डिफरेंस दिख रही होगी। तो देखिए, अच्छे से भुजा गया है, पूरा एकदम गोल्डन कलर का हो चुका है, और लगातार चलाने की वजह से ये चारों तरफ से भुजाए हैं। तो इस तरीके से आप सोयाबीन भून कर बनाएंगे ना, सच बताती हूँ, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे लोग, इतनी टेस्टी लगती है। तो मैंने सोयाबीन निकाल दिया, और उसी कढ़ाई में दो एक चम्मच तेल डाल दिया है, दो छोटे चम्मच, और एक चम्मच जीरा डाल देंगे, एक चम्मच सरसों का दाना डाल देंगे। जैसे ही जीरा चटक चटक करने लगे, उसके अंदर थोड़ी सी अदरक जो बारीक कटी हुई मैंने ऐड कर दिया है। और देखिए, अदरक थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा जाड़ा अगर कटिंग में हो जाए तो थोड़ा सा इसको फ्राई होने दे, ताकि उसकी जो कड़वाहट रहे, कच्चापन रहे, वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही वो हो जाता है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता एक डंठल मैंने इसमें डाल दिया है, और दो से तीन कटी हुई बारीक हरी मिर्च डाल दी है, एक मीडियम आकार का प्याज डाल दिया है, और इसको हम भून लेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने जितना भूनेंगे प्याज का। तो फ्रेंड्स, क्या आपने इस तरीके से कभी मसूर की दाल बनाई है? नहीं बनाई तो बना कर देखिए। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरीके से नहीं बनाए तो इस तरह से बना के खाइए। मैं सच बताती हूँ, आपकी घर में बहुत ही तारीफ होगी आपकी। और ये बनाएंगे ना रेसिपी तो बार बार इसी तरीके से सब लोग बोलेंगे कि बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक मीडियम आकार का टमाटर लिया है, उसको भी बारीक काट लिया था। अब गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे, और हल्दी पाउडर डालेंगे एक छोटा चम्मच। इसके अंदर सब मैं जो मसाले डाल रही हूँ, साथ ही मैं थोड़ा नमक डाल दिया, क्योंकि हमने अलग से मसूर में नमक डाला था,
तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारी सब्ज़ी बहुत ही चटपटी बनेगी, और जहाँ जहाँ पे नमक का काम है सब्जियाँ गलाने का, वहाँ वहाँ पे वो काम भी करेगा। अभी इसके अंदर एक चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है हाथों से मिक्स करते हुए, और देखिए ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा मसाले भून रहे हैं, कितनी सुगंध घर में फैल रही है। बहुत ही टेस्टी ये मसाले की ग्रेवी बनकर तैयार होगी। गैस की फ्लेम लो रखा है इस समय, जब भी हम मसाला भूनते हैं गैस की फ्लेम लो रखें ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से भुना आ जाए। तो देखिए कितने अच्छे से ये भुना गया है, आपको दिख रहा होगा, और पूरा तेल भी उसमें नज़र आने लगा है। तो कम तेल में बना हुआ ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए पूरी मसूर के मैंने ऐड कर दिया है मसाले भुनने के बाद, और इसको हम चला लेंगे। और साथ ही में जो हमने सोयाबीन भूनकर अलग से रखा था उसको भी ऐड कर दिया है। अब कुकर के अंदर एक कप पानी डाल देंगे, या फिर जिस तरह की ग्रेवी आपको पसंद है उतना पानी आप डाल सकते हैं, और वो पानी इस मसूर की दाल में ऐड कर देंगे। देखिए मैं ऐड कर रही हूँ, बस आपको दिख रहा होगा। अब इसको थोड़ा टाइम के लिए हम ढक देंगे। फ्रेंड्स मैं सच बता रही हूँ, आपको इस तरीके की रेसिपी ढाबे पर खाने के लिए नहीं मिलेगी। आप खुद ही बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, या फिर आपकी रिक्वेस्ट पे बनाकर मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से खोल गया है हमारा ये मसूर का सब्जी, जो देखने में बहुत ही लाजवाब है। इतना टेस्टी, इतनी खुशबू इसकी अच्छी आ रही है घर में, पूछिए मत। तो आपको दिख रहा होगा बहुत सुंदर बनी है ना हमारी ये मसूर की दाल, साथ ही में सोयाबीन। तो हेल्दी टेस्टी ये सब्जी बोलिए या दाल बोलिए, जो भी आपको बोलना हो बनाइए, खाइए, मेरे बोलने से ज़रूर बनाइएगा इसको एक बार। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी हरे धनिया डाल दी है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको परोस कर दिखा रही हूँ। थोड़ा सा चावल निकाल के मैंने रख लिया है भात, और साथ ही में हमारी ये मसूर और सोयाबीन की सब्जी जो है मैं इसे फैला रही हूँ। तो देख लीजिए कितना सुंदर ये दिख रहा है। साथ ही में थोड़े से प्याज, ककड़ी, सलाद रख रही हूँ, और एक फ्राई की हुई मिर्च भी रखूँगी, और यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया से मैंने सजा दिया है, ये मिर्च रख दिया है मैंने फ्राई किया, ऐसे ही तेल में हल्का सा नमक डाल के फ्राई कर दिया है, और एक रोटी रख दिया है। कितनी सुंदर हमारा ये थाली बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, भूलिए मत। मेरे बोलने से एक बार ये रेसिपी बनाकर ज़रूर खाइए, सच बताती हूँ आपकी बहुत ही तारीफ होगी। बहुत ही आसान तरीका है और हेल्दी टेस्टी ये खाना है।